अच्छे तृतीया पर हम आपको प्यारी जी के दर्शन बहुत ही अच्छे रूप से कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हम माँ के बिहारी जी मंदिर के बिल्कुल पास समीप पहुँचने वाले हैं और माँ के बिहारी जी भीड़ का जो सैलाब है वो अब अत्यधिक ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। दोनों तरफ से ही श्रद्धालु जन आ रहे हैं, तो बढ़ते हैं और करते हैं माँ के बिहारी जी के और इसने बिहारी जी के दर्शन। आप सभी को अच्छे तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त केवल और केवल अच्छे तृतीया को ही प्राप्त होता है। और ये अच्छे तृतीया पर ठाकुर बांके बिहारी जी दो दर्शन देते हैं। सुबह के समय में ठाकुर बांके बिहारी जी चंदन का लड्डू रखा हुआ होता है, उनके चरणों में उसके दर्शन होते हैं और शाम को पूरे शरीर पर उनके पे चंदन लगा हुआ होता है, बिना श्रृंगार के दर्शन देते हैं और ये दोनों ही दर्शन बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो इस बार प्रशासन ने कई अलर्ट जारी कर दिए हैं, इस वृंदावन धाम में आने से पहले ही आपको बहुत ही ध्यान देना है। अगर ये वीडियो आपके पास अच्छे तृतीया के दिन पहुंचा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, जिससे उन सभी श्रद्धालु और भक्तजनों को पता चल सके कि बांके बिहारी मंदिर में आखिर चल क्या रहा है। बांके बिहारी मंदिर में जो अलर्ट जारी किए गए हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ के सेवायत जी से मिलेगी और यहाँ के मथुरा के SSP और DM भी आज यहाँ मुआयना करने के लिए आए हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है बांके बिहारी मंदिर में, तो उनसे भी बात करेंगे, उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि इस बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए अच्छे तृतीया के दिन केवल एक ही मार्ग खुला हुआ होगा और वो मार्ग है विद्यापीठ चौराया। वहीं से कई किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और इस गली के माध्यम से, इन सकरी और पतरी गलियों के माध्यम से श्रद्धालुजन दर्शनों के लिए जाते हैं। तो जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को न आने की सलाह दी गई है और नवजात छोटे शिशु उन बच्चों को न लाने की इन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी की है। और इसी में इन्होंने चप्पलों के बारे में भी बताया है, पहले आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर लें, क्योंकि बांके बिहारी जी आज बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन, दिव्य दर्शन दे रहे हैं। तो इन्होंने चप्पलों के बारे में भी विशेष कहा है, क्योंकि जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो चप्पलों की वजह से आती हैं। चप्पल आप विद्यापीठ चौराहे पे उतारेंगे और आपकी जो निकास होगा वो परिक्रमा मार्ग में होगा, फिर आप कई किलोमीटर घूम के दोबारा से विद्यापीठ चौराहे जाएंगे, वहाँ से चप्पल उठाएंगे। तो जब आप अपनी चप्पल साथ में लेके आए तो जिस गाड़ी में, जिस धर्मशाला में, जहाँ पर भी आप रुके हों, ऐसे स्थान पर रखें कि आपको चप्पल आसानी से मिल जाए और उस भीड़ में दोबारा से आपको न जाना पड़े। तो क्योंकि जब बुजुर्ग व्यक्ति आता है लाइन में लग के, तो लाइन तो सीधी सीधी चलती रहती है, लेकिन जो जाने वाले व्यक्ति होते हैं, बाहर से व्यक्ति आते हैं, उन्होंने रास्ते तो देखे नहीं है, वो उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं जिस रास्ते से वो दर्शन के लिए जाते हैं और इसी वजह से भीड़ का दबाव बहुत ही अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है। तो आप मंदिर के अंदर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भक्तों का सैलाब नज़र आ रहा है। और अब हम चलते हैं इस मंदिर में ऊपर की तरफ, ऊपर से कैसा फूल बंगला सजा हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी इस अच्छे तृतीया से पहले ही लगभग 40 से 45 दिन लगातार नए नए फूल बंगले में दर्शन देते हैं और रोज़ एक नया उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फूल बंगला है वो बड़ा ही भव्य सुंदर तरीके से सजाया गया हुआ है और इसी फूल बंगले में बैठ कर ठाकुर बांके बिहारी जी बड़े ही भव्य दर्शन देते हैं और मिनट मिनट पर यह पर्दा लगा रहता है। लगाते हैं पर्दा इसलिए कि बांके बिहारी जी किसी भक्त के साथ चले न जाएं और फिर ये तुरंत ही इस पर्दे को खोल देते हैं।
ये देखें आप बांके बिहारी जी कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर डीएम साहब और एसएसपी साहब आ चुके हैं, करते हैं इनसे वार्तालाप और कैसी व्यवस्था इस बार बांके बिहारी जी मंदिर में प्रशासन की तरफ से होगी, मंदिर प्रशासन की तरफ से होगी, तो वो संपूर्ण जानकारी आज आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम बांके बिहारी जी के मंदिर में आ चुके हैं और अक्षय तृतीया पर क्या यहाँ पर होने वाला है ठाकुर जी की सेवा में, तो जानते हैं यहाँ के सेवाया जी से। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं अक्षय तृतीया का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। ब्रज वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं, बिहारी जी महाराज के चरणों में चंदन का गोला रखा जाता है, बिहारी जी को चंदन का लेपन करते हैं, ठाकुर जी के पूरी श्री अंग में चंदन का लेपन करने के उपरांत भगवान को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। आज के दिन ही बद्रीनाथ धाम में दर्शन खोलते हैं बद्रीनाथ महाराज के, उसके बाद आज ही गंगा जी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी, तो ये भी बहुत सुंदर प्रचलन है। आज त्रेता युग का प्रारंभ होता है और इस दिन से ही भगवान राम का प्रारंभ हुआ था, भगवान राम प्रकट हुए थे। तो अक्षय तीज बहुत अनेक अपने प्रचलनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में यदि हम वृंदावन की चर्चा करते हैं तो बांके बिहारी मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़ी तैयारियां चल रही हैं, चाक चौंध व्यवस्था की गई है, शासन प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन की व्यवस्थाओं को चर्चा करें तो बहुत ही मजबूती के साथ प्रशासन मौजूद है। पिछली बार को देखते हुए इस बार प्रशासन ने बहुत मुस्तैद व्यवस्था की है। वृंदावन की गलियों को एक लाइन में बांट दिया गया है, जगह जगह टीन शेड लगाए गए हैं ताकि गर्मी से यात्रियों को निजात मिल सके। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि हम लोगों ने पर्सनली गोस्वामियों ने मंदिर के चारों तरफ पानी की प्याऊ लगाई है, अनेक अनेक प्रकार से रूह अफजा शरबत और ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि दर्शनार्थियों को परेशानी ना हो और उनको समय समय पर ये पेय पदार्थ प्राप्त होते रहे। भगवान को भोग लगवाने के बाद ये हम वितरण करा रहे हैं, ऐसे आनंद की व्यवस्था बिहारी जी कृपा से ही संभव है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है मंदिर परिसर के अंदर बाहर, श्रद्धालुओं के आने वाले मार्ग पर यातायात की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, सादे वस्त्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए पतारस सुराग्रस पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है, पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है, अभिसूचना असूचना को संकलन के लिए भी हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हैं, पार्किंग की सफिशियंट व्यवस्था की गई है। और इस त्यौहार में आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील भी की जाती है कि नवजात शिशु, वृद्ध अत्यंत वृद्ध लोग तथा बीमार लोग भीड़भाड़ से बचाव करें, इस चीज़ का आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा। साथ ही ये भी अपील करना चाहूँगा कि अपने जूता चप्पल निर्धारित जूता घरों में ही उतारें, इधर उधर ना उतारें, मंदिर के प्रवेश मार्ग तक जूता चप्पल ना लाएं, क्योंकि यहाँ पे एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है, प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, प्रवेश मार्ग पर दोबारा वो आ नहीं सकते हैं श्रद्धालु, इस चीज़ का ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करें, पुलिस और प्रशासन श्रद्धालुओं के सेवा में लगातार तत्पर है और सभी लोगों के सहयोग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चल सके आपको हमारे वीडियो और हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगती है। और आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार आपको अक्षय तृतीया की और हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। बांके बिहारी जी सबको बढ़िया बढ़िया दर्शन दें और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें। बांके बिहारी लाल की।